है, भले ही वो दुकान से निकले ना निकले, कार्यक्रम में आ पाए ना आ पाए, ये उसके मन की खुशी है। हम जब देश महासम्मेलन का काम शुरू कर रहे थे तो अनेक लोगों ने कहा कि कहां लगे हो आप बैठित करना, और बुद्धिजीवियों में भी बनिया बनियों को इकट्ठा करने का प्रयास करोगे। लेकिन हमारे भोपाल में एक कवि हुए दुष्यंत, उन्होंने कहा है कौन कहता है कि आसिल से उछालो यार, और उसी का परिणाम ही के रूप में आज यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। होना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि जब इस नियत से आप काम करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है और वो कार्य सफल होता है। आज मध्य प्रदेश के हर जिले में देश महासम्मेलन की इकाई काम कर रही है, मध्य प्रदेश की हर तहसील में इकाई काम कर रही है, और आजकल हम लोगों ने तय कर लिया कि जिला स्थान पर कार्यक्रम करोगे नहीं आएंगे, तहसील स्थान पर करोगे तो ही आएंगे। 23,000 पंचायतों में से हम 22,000 पंचायतों तक हमारा नेटवर्क पहुंचा है। आपके आजीवन सदस्य होंगे, उनको कैलेंडर मिला होगा, नहीं होगा तो आज भी लाया हूं। वर्ष में एक बार हम कैलेंडर छापते हैं, उसमें तहसील अध्यक्षों के नाम और मोबाइल नंबर भी देते हैं, और वो इसलिए देते हैं कि बेस महासम्मेलन जो बनाया है उसका मुख्य उद्देश्य है वैश्यों के हितों का संरक्षण करना और वैश्यों में सुरक्षा का भाव पैदा करना। और वैश्यों के हितों का संरक्षण करना, एक परिवार भाव से काम करते हैं, ऐसी मध्य प्रदेश में अनेक घटनाएं हुई हैं कि जहां अपरिचित जगह में भी कोई वैश्य बंधु को संकट आया और उसने वहां के तहसील अध्यक्ष को या जिला अध्यक्ष को फोन लगाया, तो कई जगह तो अनुभव ऐसे रहे कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा त्वरित सहायता देश महासम्मेलन के पदाधिकारियों ने उसको पहुंचाई। ये बढ़िया है, ये अगर ठान ले तय कर ले तो इससे अच्छा जुगाड़ कोई नहीं है दुनिया में। और अगर इसको कोई काम नहीं करना हो तो इससे अच्छे बहाने भी कोई नहीं ढूंढ सकता। बहाने बनाने में भी माहिर और काम करने के लिए जुगाड़ लगाने में भी माहिर अगर कोई है तो वैश्य समाज है, और ये हमारी विशेषता है। हम हमेशा राष्ट्रवादी सोच के लोग रहे हैं, कभी हमने नहीं सोचा कि हम कमाई केवल अपने लिए करें, कुछ अपवाद हो सकता। हमारे तो शुरू से हमें संस्कार दिए हैं कि 10% अलग रखते जाना, धर्मादा में धार्मिक कामों में लगाना है, सामाजिक कामों में लगाना है, और करते भी। अभी बताया हमारे पूर्व वक्ताओं ने, भाई सरकारों का जो भी राजस्व आता है उसमें 85% भागीदारी बेस समाज की है। एक मेरे मित्र ने कहा कि इसमें कौन सा एहसान करते हो, कमाते हो तो टैक्स देते हो। इनका आजकल ईमानदारी से दे देना भी कोई छोटी मोटी बात है क्या, इसके लिए तो धन्यवाद दे सकते हैं। और चलो छोड़ दो, टैक्स दे दिया, जरूरत मतलब मजबूरी है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन देश भर में परमार्थ के सामाजिक जो काम चलते हैं उसमें भी 85% भागीदारी वैश्यों की है। अस्पताल, धर्मशाला, गौशाला, अनाथ आश्रम, बाल आश्रम, विधवा आश्रम, ये तो कोई कंपल्शन नहीं है, ये तो मर्जी का ही खेल है, ये हमारा स्वभाव है। इसलिए गरीब से गरीब वैश्य भी अगर कहीं नहीं दे सकता है तो कम से कम कहीं से लेने की तो इच्छा नहीं रखता, उसके मन में तो भाव रहता है कि मुझे समाज की सेवा करना है। हम लक्ष्मी पुत्र कहे जाते हैं, और इसलिए कमाई में लगे हैं तो कोई बुरी बात नहीं, 18-18 घंटे। लेकिन बनियों के पैसे पे सबकी नजर है, बनिया की मेहनत कोई नहीं देखता।
के ना जाओ। आजकल फिर मध्य प्रदेश में कई जिलों में मुझे सूचना मिली कि बड़ी बड़ी रैलियां होने लगी, बनियों बेसियों की दुकान के आगे, उनकी बिल्डिंग के आगे, उनकी इंडस्ट्रीज के आगे वो रैलियां रुकती हैं, वहां नारे लगवाए जाते हैं, ये इंडस्ट्री किसकी, बनिया का बेसी का नाम नहीं लेते, जो मालिक है हमारी वो भीड़ कहती है, ये बिल्डिंग किसकी, उस वैश्य का नाम बनिए का नाम नहीं लेते जिसकी है हमारी। और तो और दुर्भाग्यपूर्ण है, कई जगह तो माता बहनों का नाम लेकर भी नारा लगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और चेतावनी है हम लोगों के लिए। हम कलयुग में रह रहे हैं, हजारों साल पहले संत महात्मा लिख गए शास्त्रों में, संघ शक्ति कलयुग है, कलयुग में संगठन में ताकत होगी, संगठन के बिना नहीं चल सकते, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, कोई भी सरकारें हो, कोई भी प्रशासन हो, मंडियों की संख्या के आधार पर निर्णय करता है। अधिकांश लोग क्या चाहते हैं वही करते हैं, इसलिए संगठित होना जरूरी है। और इसलिए हमने कहा कि भाई हम अग्रवाल हो सकते हैं, हम जैन हो सकते हैं, महेश्वरी हो सकते हैं, हम खंडेलवाल हो सकते हैं, हम पौरवाल हो सकते हैं, 370 हिंदुस्तान में ऐसे घटक आइडेंटिफाई हुए जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं लेकिन वैश्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। हम गाइस बढ़ते हैं और हमारी हम भी उनको वैश्य मानते हैं और वो इस संगठन के साथ जुड़े हैं। अभी संगठन की ताकत खड़ी करना, संगठन को खड़ा करना, कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कई लोगों ने मेरे से पूछा क्या इरादा है, ये संगठन खड़ा करके क्या करोगे, ब्लैकमेल करोगे, शोषण करोगे लोगों का, ना ये संगठन किसी का शोषण करने के लिए नहीं, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, तो फिर क्या इरादा क्या है इनका। हाँ ये प्रश्न ठीक है, इरादा सुनो, हम किसी का शोषण नहीं करना चाहते लेकिन अब बहुत हो गया शोषण सहना भी। अरे बोलो तो, इसमें भी डर रहे हो क्या, आवाज निकालना सीखो भाई। हम किसी का शोषण नहीं करना चाहते लेकिन अब शोषण सहना भी नहीं चाहते, किसी का अपमान नहीं करना चाहते लेकिन अब बहुत हो गया अपमान सहना भी नहीं चाहते, हम भी स्वाभिमान से रहना चाहते, किस बात में कमी है हमारी, सारी राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कोई भी कार्यक्रम हो बिना बनिए वैश्यों के चलता है क्या, अब तो कम हो गया, आप में से अनेक राजनीतिक पार्टी के जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, आपने से भी अनेक लोगों ने सुना होगा कोई सभा होती थी बनिए से चंदा लाते थे, उसी की दरी बिछती थी, उसी का मंच बनता था, उसी का माइक आता था पैसे का, उसी के पैसे से मालाएं आती थी, मंच पे नेताजी आते थे, बनिए के पैसे के बने मंच पे खड़े होते थे, बनिए की पैसे की माला पहन के स्वागत कराते थे और फिर बनिए के पैसे के लगे हुए माइक पे आकर बोलते थे बनिया चोर होता है, और कई बार हम ताली बजाते थे भाई ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। बनिया बोले वो तो रसदार फल है, जितना दबाओगे उतना ही रस देगा, दबाए जाओ, शहर का गुंडा हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, नेता हो, जो बोले बनिया को दबाए जाओ, कुछ नहीं वो चुम नहीं करेगा। अब ये तो नहीं चलेगा, हम देते हैं, हम देना चाहते हैं, हमारे स्वभाव में, लेकिन अपमान के साथ, दबाव के साथ ये नहीं चलेगा, इसलिए वैश्य महासम्मेलन और अपेक्षा है हमारे वैश्य सम्मेलन के पदाधिकारी लोग जोड़े हुए। किसी वक्ता ने कहा था बहुत अच्छी बात कही, अरे कुछ सहायता नहीं कर सकते इतना तो कह सकते हो, चिंता मत कर हम तेरे साथ खड़े हैं, बहुत ताकत मिल जाएगी, बहुत ताकत मिल जाएगी, यह भी बड़ी ताकत है, आदमी खुद अपना निपट लेता है, निपट ही रहा है,
लेकिन 10 लोग 50 लोग उसको कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, नहीं चिंता मत कर, उसको भरोसा रहता है मेरे साथ समाज खड़ा है। ये भाव पैदा करने के लिए वह समाज सम्मेलन है, और ये भाव पैदा करके नहीं अपने जीवन में उतारने के लिए वह समाज सम्मेलन। तो इसलिए हमने कहा कि हम पंचायतों तक जाना चाहते हैं, हर गांव तक जाना चाहे, हमारा नेटवर्क होना चाहिए, एक ताकत खड़ी होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि ताकत खड़ी करना किसी अकेले के बस की बात नहीं है, इसमें सबको सबकी आहुति लगेगी, सबका सहयोग लगेगा। इसलिए हमने कहा कि भाई वे समाज सम्मेलन के संगठन से लोगों को जोड़िए। अब 1100 रुपये आजीवन सदस्यता है, कितनी आजीवन 1100 रुपये, और पति पत्नी बने तो 1600 रुपये, ज्यादा है क्या? नागदा में पान कितने का आ रहा आजकल, वहां पान खाता है कोई? 15 रुपये कह रहे हैं, अच्छा अच्छे वाला 20 का आ रहा हूँ, 15 ही मान लेते हैं, तो चाय 10 25 रुपये का हो गया। अरे महीने भर का खर्चा है चाय पीना और पान खाना, उतने में आजीवन सदस्यता, ये तो निमित्त मात्र है। तो कई बार लोग कहते हैं वो 1100-1600 देकर आजीवन सदस्य बनने में तकलीफ होती है, किसी भी संगठन की मजबूती उसकी सदस्यता से आती है। आज आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया वसंत जी, राजेश जी, प्रदीप जी और पूरी टीम, इनको सदस्य बनाइए, क्योंकि सदस्य बनने से एक जुड़ाव आता है संगठन से, अपनापन लगता है, आपका अधिकार संगठन पर होता है, संगठन का अधिकार आप पर होता है। और इसलिए आज हम मध्य प्रदेश में 50,000 आजीवन सदस्यों के साथ काम कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ हमारी निरंतरता और सक्रियता बनी रहना चाहिए। कोई रोज बड़े बड़े कार्यक्रम तो नहीं होंगे इतने बड़े, अब महीने भर से लगे हो, 1.5 महीने से आकाश ऐसे कार्यक्रम तो रोज नहीं होंगे, लेकिन हमारी संगठन की सक्रियता रहना चाहिए, लोगों के सुख दुख में हमने साथ खड़े रहना चाहिए, प्रशासन पर हमारी धाक जमना चाहिए, धाक यानी जाकर कोई दादागिरी नहीं, लेकिन वेश्याओं के साथ कोई अहित हो रहा है, उसका अन्याय हो रहा है, उसका प्रतिरोध करने की ताकत हमारी खड़ी होना चाहिए। और जब आप इकट्ठे होंगे, आप जानते हैं मैं राजनीतिक पार्टी में भी काम करता हूं, विभिन्न दायित्वों पर भी रहा हूं, मेरा अपना अनुभव है, आपका भी होगा, कोई बात आप अकेले जाकर किसी से कहोगे उसका असर, और वही 100 लोग जाकर कहोगे उसका असर, जमीन आसमान का अंतर होता है। एक के कष्ट को अगर अकेले ही कहा तो कई बार हो सकता है उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अगर एक के कष्ट को आपने अपना कष्ट मानकर सामूहिक रूप से उसके निराकरण का प्रयास किया तो उसमें जरूर सफलता मिलेगी और सुनवाई। और इसलिए भाव मन में पैदा करिए, वही जरूरी, कई बार हमारे मन में भाव रहता है हमें क्या करना है, हमारी तो जिंदगी अच्छी चल रही है, कहीं फंसते हैं तो निपट भी लेते हैं, निपटा लेते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य को भी तो देखिए भाई। व्यापारी को तो दूरदृष्टा कहा जाता है, वो व्यापारी सफल होता है व्यापार में, उद्योग में जो आगे की देखकर काम कर, आगे की भविष्य को देखकर व्यापार करता है। हम वो तो देख रहे हैं लेकिन आने वाले समय को नहीं देख रहे, हम कमाई कर रहे हैं अच्छी बात है, इसके लिए कर रहे हैं अपने बेटों के लिए, अपने परिवार के लिए, और अच्छी बात भी है, हमारे यहां तो कहा गया है कि अच्छा व्यक्ति वो जिसे विरासत में जितनी संपत्ति मिली उससे बढ़ाकर अपने बेटों को देकर जाए, ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं ना कि जितना आपको मिला उससे जाके देके जाओगे तो आप अच्छे पिता। तो हमने उसका अर्थ लगा लिया कि मेरे पास एक मकान था, मैं जाने के पहले 2 मकान देके जा रहा हूं, एक गाड़ी थी 2 गाड़ी देके जा रहा हूं, एक दुकान थी 2 करके जा रहा हूं, केवल इतना मकसद नहीं था उसका, उसका मतलब था अपने संस्कार भी बढ़ाकर देके जाओ, संपत्ति भी बढ़ाकर देकर जाओ और सुरक्षा भी बढ़ाकर देके जाओ।
हम केवल प्रॉपर्टी पे ही अटक गए हैं। आने वाले बच्चों के लिए हम सुरक्षा देकर जा रहे कि नहीं, इसकी चिंता हम नहीं कर रहे। समय बड़ा खराब आ रहा है, जैसा कहा कि बनिए के पास पैसे पे नजर रह सकती है, वो पैसा आपका कमाने में तो लगे रहे हो, लेकिन जाते तक सुरक्षित रहेगा कि नहीं आने वालों के लिए, ये जरा कष्ट में है मामला। और बनियों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। मैं मंत्री था तब भी बोलता था मंचों से, आप जानते हैं मैं गृह मंत्री भी रहा इस प्रदेश का, उस समय भी ये बोलता था बनियों की रक्षा कोई सरकार नहीं कर सकती, बनियों की रक्षा करेगा तो बनियों का संगठन ही करेगा। इसलिए संगठित होने की आवश्यकता है। हमें साफ टारगेट मान लिया है, मिलिट्री में एक शब्द आता है साफ टारगेट, जो अगर उस शास्त्र को जानते होंगे तो। आपने कभी फिल्म देखी होगी, नहीं देखी हो आगे देखो तो ध्यान देना, एक आध बार हीरो 15-20 गुंडे घेर लेते हैं, फंस जाता है। आप ध्यान करिए उस दृश्य को, जब वो घेर जाता है तो एकदम लड़ाई लड़ना शुरू नहीं करता, वो घेरे में चारों तरफ घूम के देखता है। वो क्या देखता है, मिलिट्री में सिखाया जाता, मैं संघ का संसदीय हूं, युद्ध कला को जानता हूं थोड़ा, वो सीखा है मैंने। तो ये कहा जाता है उससे कि ऐसी परिस्थिति में आप जज करिए कि आपको जो लोग घेर कर खड़े हैं उसमें सबसे लापरवाह कौन दिख रहा है और सबसे कमजोर कौन दिख रहा है, ये सिखाया जाता है। वो यही जज करता है, कई बार एक बार में, कई बार दो बार में। और जब वो जज कर लेता है कि यही सबसे ज्यादा लापरवाही से खड़ा है, तो कहा जाता है कि उसको मार के घेरे के बाहर पहले निकलो फिर लड़ाई लड़ो। आप फिल्म में दृश्य याद आए तो करना ऐसा ही होता है, नहीं तो आगे कभी देखो तो याद करना मेरी बात। ये युद्ध कला का एक नियम है, तो जिसको सबसे कमजोर और लापरवाह समझकर वो बाहर निकलता है। आजकल बाकी समाज हमारे समाज को वही मानता है कि ये सबसे लापरवाह और कमजोर है, इस पर कितने ही वार करो और निकल जाओ। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है, और स्थिति केवल भाषण से नहीं बदलेगी, ये स्थिति मन में भाव पैदा करने से बदलेगी, समाज को अपना समझने से बदलेगी। किसी दूसरे का कष्ट मेरा कष्ट है भाव मन में पैदा करने की जरूरत है। और ये भाव तब पैदा होता है जब बार बार निरंतर हम मिलते हैं, आत्मीयता पैदा होती है। इसलिए संगठन के विविध प्रकार के कार्यक्रम निरंतर होना चाहिए, मिलते जुलते रहना चाहिए, उसके कारण हमें आत्मीयता का भाव पैदा होगा। और यही आत्मीयता का भाव एक दूसरे को सुख दुख में साथ देने के लिए प्रेरणा देता है। छोटी बातों के माध्यम से आदरणीय गुप्ता जी ने जो हमारा मार्गदर्शन किया, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनको कहें कि हम निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के बाद वैश्विक महासम्मेलन के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रमों को लगातार करके इनको एकजुट रखने का प्रयास करेंगे। भाई साहब आज हमारे बीच में पूरे उज्जैन संभाग के खाचरोद, मेहतपुर, उनेल, उज्जैन, बड़नगर, तराना, देवास, साजापुर सभी दौर के से हमारे कई जिला अध्यक्ष, संभाग के पदाधिकारी, नगर के अध्यक्ष, महिला विंग की अध्यक्ष सभी लोग आए हैं। मैं नागदा वैश्य महासम्मेलन की ओर से उन सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। पर समय की मर्यादा को देखते हुए हम उनका स्वागत भी करना चाहते हैं, पर हमें माफ करें, हमारे इस मौखिक स्वागत को अपना स्वागत मानते हुए हमें माफ करेंगे। मैं पुनः इस नागदा के ये आए हुए सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे राजा कर्णावट जी आभार प्रदर्शन करेंगे, पुनः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगों का धन्यवाद करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि जब हम भोजन प्रारंभ करें तो थोड़ा सा है हमारे पास, महिलाएं एक तरफ बैठ जाए, पुरुष एक तरफ बैठकर आराम से भोजन। बाहर से पधारे हमारे वैश्य महासम्मेलन के प्रमुख वक्ता डॉक्टर उमाशंकर जी गुप्ता साहब, सुधीर जी अग्रवाल साहब और जितने भी मंच पर बाहर से विराजित जितने भी लोग आए हैं इस कार्यक्रम में, हमारे एक छोटे से आग्रह पर
उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जिन भी लोगों ने हमको हर तरह से सहयोग करा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कुछ लोगों ने हमको आर्थिक मदद भी करी, उनका भी मैं दिल से आभार मानता हूं। और हमारा यही कहना है कि आप जब भी हम ऐसा कोई कार्यक्रम करें, जिस प्रकार आपने हमको आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद देते रहें। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा।